हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की है। क्या सीखेंगे, क्या नया है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया है और यहाँ पर ये कुछ लिस्ट, कुछ डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा को मैं, ये जो हेडर पार्ट है इसे मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है टोटल, तो इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं आप, प्राइस को सेलेक्ट करते हैं, इनटू का निशान लगाते हैं, फिर यहाँ से सिक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, यानी यूनिट को सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, यहाँ पे इसका टोटल हो के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, सबका टोटल हो के आ जाएगा। अब इन सबका टोटल अगर आपको करना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाइए और इन सबको यहाँ से ड्रैग करते हुए चले जाइएगा तो इन सबका टोटल भी होकर के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये टोटल आप देख सकते हैं, ये पहला टोटल है जिसे मैंने कैलकुलेट किया है मैनुअल तरीके से, सिंपल तरीके से, जैसे आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एरे फॉर्मूला यूज करने का फायदा क्या है, देखिए एरे फॉर्मूला यूज करने का फायदा ये है कि आपको ये सब कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये सब जो दिख रहा है ये आपको कुछ भी नहीं करना। मैं अभी जो डेटा सिलेक्शन में लेने वाला हूँ वो ना तो टोटल मैं लूंगा सिलेक्शन में और ना ही नीचे वाला पार्ट कोई भी हिस्सा लूंगा, ये प्राइस और यूनिट के मदद से ही आपका सब कुछ आ जाएगा। यानी कि ये जो टोटल आया हुआ है, टोटल का भी टोटल आया हुआ है, ये केवल प्राइस और यूनिट से ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए, सम का फॉर्मूला यूज कीजिए, सम तो यूज ही करना है हमको, और इस पूरे डेटा को ले लीजिए सिलेक्शन में, ले लिया। अब आपको इनटू का निशान लगाना है बीच में और इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, सिंपल एंटर नहीं प्रेस करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले शिफ्ट प्रेस कीजिए और शिफ्ट प्रेस किए किए कंट्रोल प्रेस कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिएगा, रिजल्ट इज द वेरी सेम। तो ये तो सिंगल के लिए लेकर के हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल एरे हम कैसे लेके आ सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।